नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं मोल प्रभाज के बारे में, मोल फ्रैक्शन। और इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में हम लोग मोलरता के बारे में जान पाए थे। बड़ा सिंपल डिफिनेशन है मोल प्रभाज का, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या। हमने क्या कहा, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या एवं कुल मोलों के घटकों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। एक घटक मित्रों ऊपर होगा और उसके कुल घटकों के मोलों की संख्या नीचे, यानी अंश और हर। और ये जो अनुपात मिलेगा इसे हम लोग मोल प्रभाज कहेंगे और इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी द्विअंगी विलयन में, द्विअंगी विलयन यानी विलेय और विलायक, द्विअंगी विलयन में विलेय के मोल एन बी हो तथा विलायक के मोल एन बी हो, सॉरी विलेय के मोल एन बी, यानी विलेय को हम लोग बी से दिखाते हैं, मोल को एन से, तो विलेय के मोल एन बी हो तथा विलायक के मोल एन ए हो, तो विलेय और विलायक का मोल प्रभाव निम्नलिखित होगा। अब देखिए क्या है, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर आपको एक फिगर के द्वारा समझाना चाहते हैं। मान लो मित्रों हमारे पास कोई पात्र है, यहाँ पर सल्यूट के मोल हमने क्या लिया, एन बी लिया, और सॉल्वेंट के मोल हमने क्या लिया, एन ए लिया, बी सल्यूट ए सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का जो मोल से हमने एन ए लिया और सल्यूट का मोल हमने क्या लिया, एन बी लिया। अब यहाँ पर देखिए तो टोटल इसका मोल प्रभाज क्या आएगा, ये देखिए कोई विलयन है, ये विलेय हो गया, ये सल्यूट है और ये मित्रों क्या है, सॉल्वेंट है, और इसका मोल प्रभाज यदि आप निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो मोल प्रभाज को हम लोग यक्स से डिनोट करते हैं, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, जिसे हमें सल्यूट का निकालना है, तो एन बी बराबर हो जाएगा मित्रों एन बी अपान एन टी, एन टी मीन्स टोटल मोल्स, राइट। अच्छा, विलाय का मोल प्रभाज निकालना हो तो यक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए अपान, और ये क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स, राइट। और टोटल मोल में आप जानते हो एन ए प्लस एन बी होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या निकल के आएगा, यक्स बी बराबर, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलेय के मोलों की संख्या और धन विलायक के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यक्स ए बराबर क्या होता है, यक्स ए बराबर होता है विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक धन विलेय के मोलों की संख्या, राइट। तो ये है मित्रों आपका ये फार्मूला, विलेय का मोल प्रभाज हमने कहा किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और कुल घटकों की मोलों की संख्या का अनुपात, किसी घटक के मोलों की संख्या कुल घटकों की मोलों की संख्या का अनुपात। बस अंतर इतना है, ये विलेय का मोल प्रभाज है और ये विलायक का मोल प्रभाज है। अच्छा, यदि आप दोनों को जोड़ देते हैं, यानी विलेय के मोल प्रभाज को एक्स, विलायक के मोल प्रभाज को एक्स ए, और विलेय के मोल प्रभाज को हम लोग किससे दिखाते हैं, एक्स बी, बराबर कितना होगा, वन के इक्वल आएगा, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये हमने आपके लिए बहुत अच्छा एक फार्मूला निकाला है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये, ठीक। टोटल मोल्स एन ए धन एन बी, विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी बराबर एन बी अपान एन ए धन एन बी, विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी एक्स ए बराबर एन एन ए अपान एन ए धन एन बी, वही तो है विलेय और विलायक का मूल प्रभाज। समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए एक्स ए का मान रखो, एक्स बी का मान रखो, तो एक्स ए का मित्र जब आप मान रखेंगे तो ये आएगा, एक्स बी का जब आप मान रखेंगे तो ये आएगा। तो इसका जब हम लाशा पा लेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर क्या यानी धन एन बी, ये कट जाएगा यानी धन एन बी, तो ये दोनों कैंसिल हुआ तो यहाँ पर क्या आया, वन। तो एक्स ए धन एक्स बी बराबर कितना हुआ, वन, तो एक्स ए बराबर हुआ वन माइनस एन बी। ये तब है जब हमें विलायक का मूल प्रभाव निकालना हो तब, और विलेय का दिया हो, ठीक। इसी प्रकार विलेय का दिया हो तो वन माइनस एक्स ए, विलायक का निकाल लीजिए। अब ये देखिए मित्र, बहुत ही सिंपल हमारे पास एक है इसका न्यूमेरिकल, अब इसके द्वारा हम लोग समझेंगे मूल प्रभाज। 40 ग्राम एन ए ओ एच को 90 ग्राम जल में घोला गया तो विलेय और विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करो। भाई 40 ग्राम एन ए ओ एच है तो एन ए ओ एच क्या है, विलेय है। 90 ग्राम जल में घोला गया तो 90 ग्राम जल क्या है, विलायक है।
तो यहाँ पर देखिए हमने विलेय और विलायक को अलग अलग कर लिया, NaOH विलेय और H2O विलायक। NaOH की मात्रा कितनी है 40 और H2O की मात्रा कितनी है 90। ध्यान दीजिएगा NaOH का अणुभार देखिए इसका वेट कितना था, वेट कितना ये 40 से 40। NaOH का अणुभार मित्रों जब आप निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 40, भाई सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 पूरा जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ वाटर का अगर आप मालिक्यूलर मास निकालेंगे तो सॉल्वेंट है इसका मालिक्यूलर मास निकालेंगे तो 18 आता है। अच्छा, इसके सल्यूट के मोलों की संख्या निकाल लीजिए NB, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार मात्रा ग्राम में कितनी है 40, अणुभार कितना है 40, 40 बटे 40 बराबर 1, यानी विलेय के मोलों की संख्या कितना है 1। विलेय के मोलों की संख्या निकाल लीजिए भार बटे अणुभार, भार कितना है 90, अणुभार कितना है 18, 18 पंचे 90। ठीक, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक धन विलेय, तो विलेय के मोलों की संख्या 1 है, विलायक कितना है 5 है और विलेय कितना है 1 है, तो 1/5+1। तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर मित्रों जो विलेय का मोल प्रभाव निकल के आता है 1/6, और विलायक का निकाल लीजिए यहाँ पर देखिए विलायक के मूलों की संख्या बटे विलायक धन विलेय, तो विलायक के मूलों की संख्या 5/5 धन 1, तो एक से बराबर 5/5/6। ठीक, तो ये मित्रों हम लोग समझ पाए मोल प्रभाव संबंधी न्यूमेरिकल। एक और है हमारे पास न्यूमेरिकल, बड़ा सिंपल है, यहाँ पर ध्यान दीजिए NaCl के जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाज इतना है, भाई सोडियम विलेय है इसका इतना है, तो H2O का मोल प्रभाज निकालो। यहाँ पर देखिए विलेय और विलायक इसका मोल प्रभाज 0.08, और अच्छा ये बताइए इसका मोल दिया है तो हमें विलायक का निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये फार्मूला लगाइए एक्स ए धन एक्स बी बराबर 1 होता है, तो एक्स ए का निकालना है, सल्यूट का दिया है तो इसका वैल्यू रखो बराबर 1, तो एक्स ए बराबर 1 माइनस ए, तो 1 में से जब इसे आप माइनस करोगे तो 0.98 मोल्स आएगा। राइट, तो ये मित्रों हम लोग समझ पाए मोल प्रभाज से संबंधित कुछ न्यूमेरिकलों के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।